न्यूटन ने कहा था, अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, मतलब आराम से जिंदगी बिना किसी चेंज के एक डायरेक्शन में पीसफुली चलती रहेगी, अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। न्यूटन ने यह भी कहा था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्या है? चुड़ैल दिख गई। तू तो हॉस्टल जाके फिर आने वाली थी ना, मतलब अच्छी बात है, पर इतनी जल्दी क्यों? सगी बहन से कब क्यों कहा नहीं पूछा जाता, उसे कहते हाय हेलो अपना घर जैसे ही समझो। ओके हाय। अरे हाय गया तेले ने। डोरमैट पे पैर रख के पूछ कर प्लीज। ओके 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 हाय। तू इतनी भीगी हुई क्यों है? छाता कहाँ पर है? अरे बॉम्बे में कौन उल्लू छाता लेके आता है, बॉम्बे में तो लोग चार पैसे दो आंखें और एक सपना लेके आते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा यहीं पे रुक, मैं अभी आ रही हूँ, हिलना मत। अरे स्वागत सत्कार, माना कि मेरे घर में आने से घर की रौनक बढ़ गई, घर घर लगने लगा, पर आते नॉल की क्या जरूरत है, पर चल कर। अब बेटर है। क्या करती हो पूरा दिन घर पे? स्टार्टअप है, काम करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। अरे वो तो दूसरों के लिए ना, खुद के लिए क्या करती हो? हॉस्टल में क्या प्रॉब्लम थी? पता है हॉस्टल में ना ड्रेस कोड था, कैन यू बिलीव इट? तो ठीक है ना, उसमें क्या है, ट्राई कर लेती। ठीक है हाँ। अच्छा चलो मान लिया ठीक है, पर कैंटीन वाले भैया भी हॉट नहीं थे ना, और 7 बजे का इन टाइम, 7 बजे अगर रूम में पहुंच गई ना तो मुंबई की नाइट लाइफ बुरा मान जाती है। हाय मुगले आजम भी कलर्ड होगी, तेरे कपड़े की कोटा फैक्ट्री है। दीज आर कॉल्ड फॉर्मल्स एंड ब्लैक मेक्स मी लुक थिन। पीरियड्स चल रहे तेरे? तो तू ट्रेन से क्यों आई? मैं फ्लाइट टिकट्स बुक करा देती। फ्लाइट बड़ी बोरिंग होती है, और बादल देखने में ना सिर्फ शुरू के 10 मिनट में मजा आता है। अरे तू जल्दी पहुंच जाती ना। मेरी लाइफ में कोई जल्दी नहीं है। माही तेरे पीरियड्स चल रहे हो, तेरा फ्लो हमेशा से काफी हैवी रहा है, और ट्रेन्स के वॉशरूम इतने अनहाइजीनिक होते हैं, इट गेट्स अनकंफर्टेबल, मैं इसलिए कह रही हूँ। टीटी भी यही कह रही थी, अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करो आंटी, मार्केट में काफी सही प्रोडक्ट्स आ गए हैं, इफ यू नो वेयर टू लुक। जैसे जैसे विस्पर का नया हाइजीन कंफर्ट पैड, इसमें 3 स्मार्ट लेयर है, लंबा चलता है, ड्राई रहता है, ओडर भी लॉक करता है। मैंने ना ट्रेन में 2-3 लोगों को बांट भी दिया। आई शुड वर्क फॉर ब्रांड्स। एज लॉन्ग एज तुम्हें मार्केटिंग और शॉपिंग में डिफरेंस समझ में आए, देन व्हाई नॉट। एक मिनट रुक, वो तेरी साइड है, ये मेरी साइड है। अरे क्या तेरी मेरी साइड? अब हम 2 जिस्म एक वार्डरोब है। ऐसा मारूंगी ना जिस्म से रूह जुदा हो जाएगी। और अब मिलके ना हम तुम्हारा पीजी ढूंढेंगे। सुबह सुबह तो और कब? अरे मुझे लगा शाम, पर मम्मी पापा से दूर क्या सुबह क्या शाम। अरे तुम पर्दे वर्दे बंद करना, मूड बना थोड़ा। अरे ये तो काढ़ा है, मुझे लगा पता है। 19 साल की है तू, पहले कुछ ऐसा कर तो ले जिसका गम मिटाया जाए। अच्छा वीकेंड पे क्या कर रहे हैं हम? कपड़े धोएंगे। अरे पराठे, इतनी दूर से पराठे खाने आई हूँ। कुछ और ऑर्डर करते ना जो इंदौर में नहीं मिलता। मैं बाहर का नहीं खाती।
I cook for myself. हाँ, बाद में पकाना, अभी बटर डाल चल. अरे अपने आप को रोको मत आंटी, रहने दो, क्योंकि घर का बटर बटर नहीं बेटर बटर होता है. अरे कभी कमीडियन समझा ना, वो स्कूल में था ना बेटी बटर बर्ड समझ. आगे का क्या सोचा है? अरे जा रही हूँ हाथ धोने, पीछे ही पड़ गए. अरे फ्यूचर का, ओ फ्यूचर का फ्यूचर में सोचेंगे, फिलहाल तो आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर. आई वॉन्ट टू मेक आउट विद एवरी कोर्स, डेट एवरी क्लास, तब तक जब तक आई डोंट फाइंड दी कोर्स जिससे मम्मी पापा से मिलाया जा सके, कह के कि मम्मी पापा ये लो, ये रही आपकी बेटी की होने वाली डिग्री. अभी फिलहाल तो ड्रामा सोसाइटी में मजा आ रहा है, एनरोल कर दिया. रहने का क्या सोचा है? कॉलेज के आसपास तो काफी पीजीज हो गए ना. प्लेट ही चाट ले. गुड आइडिया. माही बे, तुम्हारी हरकतों को देख के ना बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम अगले हफ्ते कॉलेज शुरू करने जा रही हो. तू चीटिंग करके पास हुई है ना? और नहीं तो क्या. अरे क्या मजा आता है चीटिंग में, पता है ऐसे दिल धक धक होता है जैसे यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. गॉसिप लाई हूं, सुन ले. गेस हू एल्स चीटेड? कौन? वही हमारी परफेक्ट आइडियल लड़की रिप्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से हर मंडे टेस्ट के बाद तुम्हें चप्पलें पड़ती थी. व्हाट? कनिका चीटेड ऑन रंजन? अपेरेंटली दे वर सीइंग अ मैरिज काउंसलर, तो उनके मैरिज काउंसलर ने उन्हें कहा कि लव योरसेल्फ, पुट योरसेल्फ फर्स्ट. फिर? सो दे पुट देमसेल्फ्स फर्स्ट एंड स्लेप्ट विद समवन एल्स. फिर क्या हुआ? अब बताओ. किसी का घर टूट रहा है, इनको गॉसिप चाहिए. घर क्यों बस आ रही है? दो दिन में विदाई है तेरी. अबाउट दैट, मैं सोच रही थी कि तेरे पास इतनी जगह है ना, एंड कंसिडरिंग हाउ लोनली यू आर, इंस्टेड ऑफ हैविंग 12 कैट्स एट सम पॉइंट यू कैन हैव मी. I'm a dog person. You are a lonely person. हाँ तो चलो, decided है. क्या decided है? माही क्या decided है? घर में तौलिया है. फेस का है, हाथ का अलग है और पैर का अलग. मतलब लोग इंसान इंसान में फर्क करते हैं, तुमने एक ही इंसान में इतने फर्क कर दिए. कभी सोचा है पैर के तौलियों को कितना बुरा लगेगा जब उसको पता चलेगा कि वो फेस और हाथ के तौलियों के साथ? आई जस्ट हैव द सिस्टम इन विच यू डोंट फिट. हाँ, तौलियों का कास्ट सिस्टम, बताओ. अब क्या हुआ? रॉन्ग ऑर्डर. रियली यू थिंक दिस इज वॉट इज रॉन्ग? इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. अंतरा तुम गलत नहीं हो, बस मुझसे थोड़ी अलग हो. We're gonna have so much fun. Roomie. पागल लड़की, नॉक करना नहीं आता है क्या? तो कुंडी लगाया करो ना अंतरा मैडम, मेरे को भी जन्नत नहीं देखने का है. मैं अकेली रहती हूँ इसलिए नहीं लगती जरूरत. अकेली रहती हूँ नहीं, अकेली रहती थी. Gone are those days. और अगर अकेली ही रहती हो तो लेस वाली चड्डी क्यों पहनी है? माही अंकिल यू. अच्छा सर, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? ओके यार, लास्ट लेट हो रही है. ये आई बॉट टू मग्स, तेरा वाला टूट गया था ना. वाओ, वाओ. मैं कोई हेल्प करा देती हूँ, बड़ा काम लग रहा है. क्या करूँ? नहीं नहीं तू रहने दे, तू काम बढ़ा देगी. वाओ, यस एब्सोल्युटली. सो दैट्स द रोड मैप फॉर आवर नेक्स्ट क्वार्टर एज वी आर लुकिंग एट इट करेंटली. माही पूरे कपड़े पहन ना, मेरी वीडियो कॉल चल रही है. ब्रो आई विल वेयर व्हाटएवर द हेल आई वांट. सर इसने नीचे कुछ नहीं पहना. ए
अरे म्यूट पे तो रहती है, कुछ बोल भी लिया कर। यस सर। तो वो उसने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने उसको हकला दिया, फिर वो गया वो वापस। इट्स बेड टाइम नाउ। आप लोग के पास वैसे भी अब कुछ और बातें करने को बची ही नहीं होगी, काफी देर से कर रहे। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय 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 गाइस, परसों मिलते हैं ना। ओके बाय बाय, कॉल मी। तेरे पास दोस्त नहीं इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास भी नहीं हो सकते, पूरी बिल्लियां पाल ले तू। अरे नहीं नहीं, काहे की प्राइवेसी, उसका बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, सड़ी रहती है। उसकी लाइफ की तो स्पार्क मैं हूँ। उसको मत मत अंतरा, इमरजेंसी, आई गॉट लॉक्ड आउट। भाई पड़ोसी के घर चली जाना तब तक। अरे पागल है क्या, मेरे हेडफोन्स अंदर रह गए हैं, तू जल्दी आना। भाई क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अरे सुसु आया यार, फंडिंग की बात चल रही है यहाँ पर, बंद। अरे तुमको फंडिंग एनीवे नहीं मिलनी, तुम आओ ना यार प्लीज। हेलो यार, कितना टाइम लगा दिया यार, कब से वेट कर रही हूँ। सड़ मत, पता ही नहीं चला कैसे बंद हो गया। तुझे कुछ नहीं पता चल रहा है माही, तुझे नहीं पता चल रहा है तो कैसे मेरी स्पेस के अंदर घुसी जा रही है बस। ओके वाओ अंतरा, जिसे तू स्पेस में घुसना कह रही है ना, उसे एक्चुअली एफर्ट्स डालना बोलते हैं। तुझे क्या लगता है तेरे साथ रहना इज ईजी? नहीं, बट मैं एफर्ट डाल रही हूँ टू मेक दिस वर्क। अच्छा पता, शांत हो जा, क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। फॉर स्टार्टर्स, मैं रोज रात को दो लोगों का खाना बनाती हूँ और तू रोज बाहर से ऑर्डर करती है। बस इतनी सी बात? अरे पैसे खत्म हो जाएंगे तो बंद कर दूंगी ऑर्डर करना। देख अंतरा, मैं पहली बार घर से बाहर निकली हूँ, घर पे मम्मी जो बनाती थी वो खाना पड़ता था, पापा जो बोलते थे वो करना पड़ता था, कुछ भी करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। अभी करने देना थोड़ा एंजॉय, यार है कि मैंने बहुत कुछ करना है। तुझे करना क्या है? व्हाट्स इवन योर प्लान? आई डोंट हैव अ प्लान, दैट्स द प्लान एंड आई लाइक इट दैट वे। देख मैंने ये स्ट्रगल देखी है, यहाँ पे कोई नहीं है। बिल खुद भरो, खाना खुद बनाओ, लाइट चली जाए तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, पानी कट जाए तो बाल्टी खुद भर के रखो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, टैक्सेस भरो, डस्टिंग करो, और ये सब कुछ करने के बाद भी ना साला समहाउ सिंक में कोई ना कोई बर्तन रह ही जाता है। ये होती है एडल्ट लाइफ माही। ब्रो मैं बर्तन नहीं नहीं हो पाएगा अब, तू अपने लिए पीजी ढूंढ ले, आई विल पे द रेंट। इट्स जस्ट नॉट द सेम एज इट वाज। ओ हैरी स्टाइल्स, मैं कहीं नहीं जा रही, तू हिला के दिखा। देख हिला दिया। अबे हाथ क्या लगाती है बे? बड़ी बहन पे सीरियसली हाथ? अबे तू मार क्या रही है? पागल हो गई क्या? मार रही है मुझे यार, मुझे मार मत। मैं मम्मी को बता दूंगी। आ आ अंदर तेरा दिमाग खराब। तुम्हें मैंने मम्मी को बता दिया। मम्मी मम्मी I can't believe I missed this. तुझे चार साल हो गए हैं घर से गए हुए। तू होली दिवाली पे फ्राइडे को घर आती थी, सैटरडे को दोस्तों से मिलती थी, संडे को पैकिंग करके उसी रात चली जाती थी। मुझे लगा फाइनली वील गेट टू लिव टुगेदर, वील गेट टू बी सिस्टर्स अगेन, बट आई गेट इट। तुझे अगर नहीं रहना है मेरे साथ? नहीं रहना है, साथ में रहना है, लेकिन पर इतने सालों से अकेले रहते रहते आई ऑल्सो बिकम कम्फर्टेबल इन माई ओन वे एंड यू वोंट अंडरस्टैंड दिस। तो समझा ना, बचपन में फ्रैक्शंस भी तो तूने ही सिखाए थे, दैट्स हाउ यू लर्न पेशेंस। यू टेल मी योर वे, आई विल टेल यू माही वे। अच्छा ओके, I'm नहीं हो रहा है यार। कोई बात नहीं, रहने दे। थैंक गॉड। ये देख नाखून मारा तूने मुझे,
अभी पासवर्ड बताओ वाईफाई का, जल्दी बता, बताना। माही इज अडॉप्टेड, नो स्पेसेस। ऑल कैप्स। हे गाइस, होप यू लाइक द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर ब्रांड न्यू शो सिस्टर्स। और आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अब बिगड़ती हूँ। आईफोन 14 ले लिया? नहीं यार, ये बस कवर नया लिया है। एक्चुअली आई एम सेविंग अप फॉर द फोन। व्हाई टू सेव व्हेन यू कैन विन इट? विन एन आईफोन 14? यस श्योर। हाउ? सिंपल, पार्टिसिपेट इन द विस्पर क्विज चैलेंज। एंड गाइस, अगर आप भी जीतना चाहते हैं ब्रांड न्यू आईफोन, तो ऑल यू हैव टू डू इज pour some liquid on your pad and squeeze it on one of your favorite things, anything, your dress, bag, anything. Aur meri favorite cheez agar kharab ho gayi to? Nahi hogi na. Whisper hygiene comfort pad ensures ki kuch bhi leak na ho. And please participate, you can also get a chance to make a reel with Mrunal Thakur. Acha, so all I have to do is tag my friends, tag Whisper India, and it's done. And yes. I can win a phone. Yes. Oh wow, that's crazy. Yeah, just like these sisters. So guys, please check out the link in the description below for the challenge and hurry up. The contest lasts till 30th September. And don't forget to subscribe to our channel Girlie Appa.